ट्रैविस अली, व्हाट आर यू डूइंग? ट्रैविस अली, तरह तरह के मैसेज मत लिखना है, ओके? ये ट्रैविस अली टू एवरीवन, एवरीवन का भी मैसेज है, चैट करना ही बंद। ओके, तो आपने जो मैसेज इस तरह से आपस में डिस्कस करते हो, मैंने आपस में बात करते हो, दैट इज नॉट गुड थिंग्स। ओके, तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर था कि कोई भी रिएक्शन में इज इसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी के अंदर में कोई चीज़ खाते हैं तो बॉडी के अंदर में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शंस में ये हेल्प करता है। ओके, तो दैट मीन्स कि इट इज इसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट्स है कि इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ए फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे जो खाते हैं वो कुछ अमाउंट्स में वेस्टेज बच जाता है, उस वेस्टेज को वाटर के थ्रू जो है क्या होता है, उस वेस्टेज शरीर से बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना, और स्वीट, ये सब किसी के थ्रू या एनस के थ्रू बाहर निकाली जाती है ना। तो उसमें वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स निभाता है, ठीक है। ब्लड कंटेंस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर में ब्लड है, ब्लड में मैक्सिमम पार्ट जो होता है लार्ज अमाउंट में वाटर होते हैं, और वह वाटर के कारण ही ब्लड जो है इजीली आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट करते रहते हैं। आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट करने का मतलब वह पर्पस क्या है? सर, गोपाल हाँ बोलिए। सर, सर ये ट्रेनिंग वाला कैसे बुक करते हैं? क्या हुआ? ये टीचर्स ट्रेनिंग जो है सीबीएसई ट्रेनिंग वाला कैसे बुक करें? हाँ, मैं दामोदर पांडे बोल रहा हूँ, सीबीएसई ट्रेनिंग कैसे बुक करें? कैसे करें आप? जिस तरह करते थे वैसे ही कीजिएगा। वह पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए ना, आ जाए आपका। आ रहा है, आज कितने बजे खुल है? रहा है, हाँ, खुल कितने रहा बजे है, है? नहीं, खुल रहा है बुक करने के लिए, बुक करने के लिए। क्लास भी करना है नहीं, क्लास नहीं करना है, बुक करना है। तो उसको आप ऑन कर दीजिए। पासवर्ड कौन वाला है? दिल्ली वाला, चेन्नई वाला, कौन वाला है? दिल्ली दिल्ली चेन्नई कौन वाला है? उसको वाला कौन वाला है? है, अजमेर था, अजमेर। अजमेर वाला में दिक्कत नहीं होगा, वो सीधे ऑन कीजिए ना, पासवर्ड वगैरह डाल के ऑन कीजिए। कौस्तुभ नारायण, ए कौस्तुभ, मदद कर दो पापा को। सर यहाँ पर गो बैक बार बार दिखा रहा है। गो बैक, यस सर, रजिस्टर करते हैं तो गो बैक दिखाने लगता दिखाओ जो अपना पिक्चर्स दिखाओ। सर, क्लियर नहीं आ रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है? गो बैक जा रहा है, यस सर, स्क्रीनशॉट करके भेज दो व्हाट्सएप। ठीक ओके, है तो सर। आपने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
व्हाट्सएप पे देखने देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? मैथ्स मैथ्स। अच्छा तो सर होने लगा। होने लगा ना, ठीक है ओके। तो यस सर। ब्लड में बहुत सारे अमाउंट्स में आपको वाटर्स ब्लड होते हैं, वाटर के कारण ही आसानी से आपको जो है आर्टरीज और वेन्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर मिनरल्स, ये सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वह ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। तो ये आपको वाटर का यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ब्लड के मार्फत, और यही कारण है कि आप देखते होंगे बहुत सारे मेडिसिन, है ना, कहेगा कि आप इंजेक्शन लगा लो, वेन्स में डाल देगा तो क्या होगा, तुरंत ही एक रिएक्शन करेगा तुरंत आप, क्यों? क्योंकि ब्लड के मार्फत वह पूरे शरीर में तुरंत फैल जाएगा, है ना, मसल्स के मार्फत धीरे धीरे स्लोली काम करेगा, है ना, वेन्स के मार्फत कोई मेडिसिन खाएंगे वह डाइजेस्ट करेगा, तब वह जाएगा अदर पार्ट्स ऑफ द ब्लड में ट्रांसफर होगा, फिर अदर काम करेगा। तो इंजेक्शन के थ्रू आपको क्विक एक्शन के पीछे रीजन बिहाइंड यही है कि वह ब्लड के मार्फत हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के थ्रू वह न्यूट्रिएंट्स, वो ना वह मेडिसिन सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मिल जाता है। ओके एम आई राइट? आर यू लिस्निंग? यस सर। ओके। तो और वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग और हमारे बॉडी के टेम्परेचर, देखते होंगे कि उसको मेंटेन करने में वह हेल्प करता है ना। गर्मी के दिनों में आप जो स्वेटर वगैरह, जो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, जैकेट वगैरह, कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो वाटर इसमें इम्पोर्टेंट रोल्स कम निभाता है। अभी जाड़े के दिनों में तो उतना नहीं निभाएगा, गर्मी के दिनों में आपको ज्यादा गर्मी फील होगा तो उस समय में स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू क्या होगा कि पसीना निकलेगा, पसीना वेपोराइज होगा, तो आप जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत हाई है आपके बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी आपको गर्मी से राहत मिलेगी। पसीना निकालना उस समय में जरूरी है, जिस व्यक्ति को पसीना नहीं निकलेगा और गर्मी ज्यादा है तो वह छटपटाहट होने लगती है उसको, है ना, मेंटली डिजॉर्डर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाटर जो है हेल्प इन मेंटेनिंग इनफॉर्म बॉडी टेम्परेचर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट इन समर, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्वीट्स स्वीट विच ऑन एवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन हेल्प टू, है ना, कीप द बॉडी कूल। एम आई राइट? यस सर। समझ में आ गई यस होगी। सर। दीज आर द फोर यस। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, है ना, ये इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आप समझ गए होंगे। रफेज, रफेज खाना जरूरी है। रफेज का काम है, जिस तरह से आप देखते होंगे कि ड्रेनेज से वाटर जा रही है ना, उसमें अगर कोई स्ट्रॉ या कोई ग्रास डाल दिया जाए तो वो अपने साथ साथ दूसरी गंदगी को भी बाहर निकाल देता है, उसी तरह से रफेज होता है। रफेज जो है वह ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में होगा, है ना, जो रेशेदार चीजें होंगी उसमें होंगे, है ना, तो बादाम वगैरह जो है उसमें रफेज होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में रस होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर में, जो पेट के अंदर में, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिस्किट खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मैदा की चीजें जो है ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो वह मैदा जो है बहुत महीन होते हैं, है ना, इसीलिए देखता है जो बिजनेसमैन है, जो कमाने वाला है उस पे वर्क करता है, वह क्या करता है, वही बिस्किट आटे को बना दिया, कहेगा ये आटा का है तो उसका दाम सीधे डबल कर दिया, और क्या हुआ, कुछ नहीं,
उसी आटे को कम महीन किया हो, यानी मोटा ज्यादा कर दिया, तो जिसके कारण वो क्या हो गया कि वो चोकर वाला है, तो वो आपको उसका प्राइस बढ़ा दिया, और वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि तो उसमें राफेज है तो ना, चोकर वाला जो आटा होता है जनरली लोग महीन आटा को पसंद करते हैं, मोटे जो आटा है उसको कम पसंद करते हैं लेकिन वो मोटा आटा खाने के लिए, इसीलिए आजकल दलिया पर ज्यादा लोग फोकस कर रहा है दलिया खाने के लिए, क्यों, क्योंकि तो उसमें राफेज होते हैं। आप जो बिस्किट खाते होंगे, मैदे की चीजें जो नमकीन वगैरह खाते होंगे बना हुआ, वो आपको क्या क्या करेगा, वो चिपक जाता है। आप देखते होंगे किचन रूम में है ना, अब तेल वगैरह जो है वेपराइज होता है तो वह स्टिकी होता है ना, और तो स्टिकी होने की वजह से अपनी डस्ट वगैरह उस पर चिपक जाते हैं, गंदगी ज्यादा चिपक जाते हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी होते हैं, तो वह चिपक जाएगा तो फंस गया कहीं पर, फिर वह सूख जाएगा, सूख जाएगा तो ये आपको जो है गैसेस फॉर्मेशन करेगा है ना, तो गैस का जो फॉर्मेशन होगा है ना, तो आपको एसिडिटी डिजीज होगी, तरह तरह के डिजीज, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो 1 लाख बीमारी होने का पॉसिबिलिटी, तो उसी के कारण जो बीमारी बढ़ती है, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तरह तरह की डिजीज क्रिएट हो गया, तो उस समय में डॉक्टर कभी कभी आपको राफेज वाले जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपको देखता होगा फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स वाले मेडिसिन पेट साफ करने के लिए वो प्रिस्क्राइब करेगा आपको है ना, तो वहाँ पे जो डाइट्री फूड्स है जो आप राफेज का यूज किया है ना, वह आपको कॉन्स्टिपेशन अपने साथ गंदगियों को बाहर निकाल देने में हेल्प करता है, क्योंकि तो उसमें सेलुलोज होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। सेलुलोज डाइटरी फाइबर्स कंस्टिट्यूट द रफेज, रफेज हेल्थी बॉल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। ये कंस्टिपेशन को नहीं बनने देगा है ना, जो आप देखते होंगे चना खाते हैं, ग्राम चना फुला के अगर आप खाते हैं ना, स्प्रॉट वगैरह लेते होंगे तो उसमें जो छिलका होता है वह रफेज का काम करता है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन को करने में हेल्प करता है। बादाम खाते होंगे, बादाम में भी रफेज ज्यादा होते हैं। ओके समझे कुछ, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यस रफेज। सर, अब मैंने पहले ही बताया मिनरल डिफिशियंसी में कि आपको विटामिन डी आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, और विटामिन डी नहीं होगा तो आप कैल्शियम और फास्फोरस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और मैंने लिखा हुआ भी पॉइंट्स मेंशन करा दिया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी राइज किया था कि कैसे सर है ना विटामिन डी नहीं होगी तो उससे कैल्शियम का टेबलेट और हड्डी और तोड़ लेगा जान के है ना, जंप करके फाइटिंग करके, उस समय में भी डॉक्टर कैल्शियम देगा टेबलेट खाने के लिए जल्दी जुटे, और कैल्शियम बिल्कुल खाओगे भी तो वह डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा जब तक तुम विटामिन डी तुम्हारे बॉडी के अंदर में नहीं होगी। आज इसीलिए आजकल कैल्शियम वाले भी टेबलेट में विटामिन डी मिक्स रहता है, जिसके विटामिन डी मिक्स वाले जो टेबलेट्स होंगे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, वह ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि विटामिन डी कंपल्सरी पार्ट है डिजॉल्व करने में, उसको एस्टिमुलेट करने में वह इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ओके राइट, यस और सर, क्या यशस्वी, आर यू लिस्निंग यस सर, सत्यमराज, तो चलो आर्जा यशस्वी कैल्शियम डिफिशियंसी पर हो।
Yes, sir. The requirement of calcium is much more in growing children and in pregnant and lactating mothers. It is important for bones and teeth formation. Due to its deficiency, bones become weak and fragile. A large amount of 94% of calcium is used for development of bones and teeth in our body. Blood, muscles, and nerves also use it in small quantities. Due to its deficiency in diet, contraction of heart become faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body, particularly in large muscles of the legs. Tooth decay and general irritability are other symptoms of this of its deficiency. Yes, sir. Okay. आकाश राज फास्फोरस डिफिशियंसी पर फास्फोरस अलोंग विच कैल्शियम इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सेल्स बोन्स एंड टेल नर्वस नहीं लिखा है सेंट्रल फोल कैसा नर्व हाँ नर्व सेल्स बोन्स एंड टीथ इट इज आल्सो सेंट्रल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट and fats, lose of weight, retarded growth and general weakness occur due to iron and phosphorus deficiency. Okay, sir. Sir, हम पढ़े हैं iron deficiency. करो. Iron is an essential element for the formation of hemoglobin of red blood cells, which plays an important role in the transport of oxygen. An inadequate intake of iron leads to a condition known as anemia. An anemic person appears pale and weak. The body shows fatigue, loss of appetite, whitening of nails, and swelling of hands and feet. Sir, ho gaya. तो आपने कैल्शियम डिफिशियंसी देखा कि कैल्शियम डिफिशियंसी को कौन एक्सप्लेन करेगा आकाश राज कैन यू एक्सप्लेन इट आकाश राज कैन यू एक्सप्लेन नो पीछे देख रहा है आकाश राज व्हाट इज योर प्रॉब्लम Jayant Kumar, can you explain? Can you explain? Abhigyan Sinha, sir, lactating का मतलब क्या होता है? Lactating mothers, that means दूध देने वाली माँ जो बच्चों को दूध पिलाती है. That mothers are known as lactating mothers. उसको भी कैल्शियम की जरूरत होगी, है ना? ठीक है, ताकि उसके बच्चों को भी उसके मार्फत कैल्शियम मिल सके. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. और कौन एक्सप्लेन कर सकता है? आकाश राज हैंड्स दिखने लगा मतलब. चलो यार जा यसर स्पीक. You explain it. यस सर तो कैल्शियम डिफिशियंसी में हमें ये जानना है कि कैल्शियम अगर हमें ना मिले तो हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ेगा तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम एफिशिएंसी का इम्पोर्टेंस क्या है तो कैल्शियम जो है वो प्रेग्नेंट और लैक्टिंग मदर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हमारा कैल्शियम की कमी है हमारे बॉडी में तो हमारा जो बोन्स है वो वीक हो जाएगा कमजोर हो जाएगा और जो कैल्शियम है वो 94% यूज होता है हमारे बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड मसल्स ये थोड़े कमजोर हो जाएंगे और फिर हमें पेट भी दर्द दे सकता है और टूथ में भी दर्द दे सकता है दांत गिरने लग जाएंगे अगर कैल्शियम डिफिशियंसी हो तो ओके
और भी है लास्ट पैराग्राफ को तो तुमने सही नहीं किया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट सर, आयोडीन डिफिशिएंसी नहीं, कैल्शियम डिफिशिएंसी नहीं। क्या कर दी सर्जा यशस्वी? क्या सर लास्ट लाइन को एक्सप्लेन कर दी? कौन सा लास्ट लाइन सर, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन। यस सर, ये कैल्शियम डिफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो। सर कैल्शियम डिफिशिएंसी को, हां सर कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए सर, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं और सर जो प्रेग्नेंट मदर होती है और जो लैक्टिंग मदर होती है सर, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्शियम सर। कैल्शियम हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बोन और स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर्मेशन में सर। 94% कैल्शियम इज यूज्ड फॉर अबाउट बोन सर, 94% कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ में यूज होता है सर। ब्लड मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो यूज स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कैल्शियम सर, वो लोग भी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कैल्शियम यूज कर सकते हैं सर, यूज करते हैं सर ब्लड ब्लड मसल एंड नर्व्स। तो देखो ये फॉस्फोरस डिफिशियंसी बिल्कुल उसी तरह से ये भी टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है अगर फॉस्फोरस की, इसीलिए देखता होगा कि छोटे बच्चों को जो जिसका दांत निकलता है उसको होम्योपैथिक मेडिसिन में कैल्केरिया फॉस देता है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया कैल्शियम और फॉस्फोरस की, और ना कैल्शियम भी जरूरत है टीथ फॉर्मेशन के लिए और फॉस्फोरस भी जरूरत है, तो नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस की भी कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस की भी जरूरत होती है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स बोन्स एंड और ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में भी ये हेल्प करता है फॉस्फोरस है ना। अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है due to deficiency of phosphorus, retarded growth, general weakness occur due to iron and phosphorus deficiency. अगर उसका वेट लॉस हो रहा है तो यानी ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो आ रहा है इसका मतलब आयरन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं आयरन की कमी है इसीलिए ब्लड फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है और इसीलिए उसका वेट लॉस हो रहा है। तो आयरन डिफिशियंसी हमें होमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का मेन कंट्रीब्यूशन है, वो आयरन कहाँ से मिलेगा तो स्पिनेच पालक खाने से मिलेगा, आयरन के टैबलेट स्पेशली पहले लोग आयरन के बर्तनों में लोहे के बर्तनों में खाना बनाते सब्जी बनता था तो उससे क्या होता था अपने आप नेचुरली आयरन मिल जाते थे उससे भी है ना, क्योंकि वेजिटेबल्स अगर आप जो है सर लोहे के बर्तन में बनाने से आयरन कैसे मिलेगा? लोहे के बर्तन में लोहा का कुछ कुछ एलिमेंट्स आएगा ना जी, तू पानी डाला गरम किया लोहे का जो रहता था ना, आजकल तो लोहे का यूज कम करने लगा है ना लोग, लेकिन जो पुराने जमाने के आदमी होंगे वो उस पे फोकस करते हैं कि ये वेसल्स देखता होगा पानी जो पीते हो तांबे के बर्तन में लोग पानी पीते हैं तो उसको ज्यादा बेनिफिट होती है ने? आपके जो घर किचन में जो वेसल्स है अंतेंसल है उसमें ये भी बात हो, सबसे गंदा मटेरियल किसको माना गया है? अल्मोनियम को, लोग सस्ता के कारण लोग खरीद लेते हैं है ना, लेकिन अल्मोनियम वह हमारे बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं है ने? पीतल का बर्तन जो है वो मजबूती होती थी उसमें आयरन, चूंकि वो एलॉय हो गया वो कॉम्बिनेशन है उसमें दो तीन चीजों का मिक्सचर है, और लोहे का जो मिलता है अभी भी मिलता है उसमें जो खाना बनेगा तो उसमें आयरन का अमाउंट अपने आप आ जाएगा
कुछ न कुछ, है ना, कॉपर भी पानी पीने से कॉपर कुछ कुछ आता है ना जी, वो रिएक्ट करता है ना। जब ना लोग इतना बहुत कोई पीने लगा है आजकल, उसको जग में कॉपर का जो जग है उसका दाम भी बढ़ा देता है सीवेज रीजन में, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, तरह तरह की बीमारियों को दूर करता है। इवन इसकी आंख में भी पानी, अगर रात भर पानी रख दिया उसको सुबह में उससे साफ करोगे ना, तो वह आपको आंख की डिजीज को भी दूर करने में, जैसे कंजक्टिवा हो गया है ना, उस सब में भी वह हेल्प करता है। ओके, तो आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया डिजीज होते हैं, और वह आप लेकिन सभी चीज एक्सेस खाने से दिक्कत हो जाती है ना, तो आपको जो है जैसे पालक की ज्यादा खा लिया तो स्टोन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि तो उसमें एक स्पेशल चीज होते हैं जो हमें बोन्स, आप धीरे धीरे बच्चे सब ज्वाइन कर रहा है कि डीप कर रहा है ना, देखो तो आपने आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होगा, क्वाइटेड होगा, ये आपको गला में वह घेगा टाइप का हो जाता है ने? और आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स को भी ये साइड मैंने पढ़ा दिया था, फिर से ये रिवीजन अगेन, तो थायराइड ग्लैंड्स को भी वह कंट्रोल करता है, थायराइड की वजह से दिखता होगा, देखने में नाता लगेगा, उसका फिजिकली मेंटली दोनों डेवलपमेंट को वह रोक देता है, क्योंकि तो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसको थायराइड उस पे स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है, am I right? Yes, sir. तो ये हमने जितने भी मिनरल डिफिशियंसी था उसको मैंने पढ़ा दिया, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम बैलेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोडीन का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया तो चलो खूब खाते हैं आयोडीन, है ना, आयरन का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया तो चलो खूब खाते हैं, हड्डी मजबूत करना है तो खूब कैल्शियम खाओ, सब चीज का एक लिमिटेशन होता है, है ना, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं। एक्सेस खाने से भी डिजीज क्रिएट हो जाती है, कोई ना कोई अदर डिजीज क्रिएट, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, दूसरा चीज कम हो जाएगा, अब कैल्शियम पर ज्यादा जोर दे दिया तो दूसरे चीज कमजोर हो जाएंगे, है ना, जो विटामिन है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है तो उसकी कमी हो जाएगी, और सारी चीजें विटामिन सी की कमी से एस्कर भी हो गई, जो आपने चार्ट्स देखा था उसको मैंने कहा था ना कि याद रखना है, याद किए, धीरे धीरे जब मीटिंग इन नहीं हुआ और बच्चे इन होने लगते, वाह 14 पर अभी 20 मिनट्स का गैपिंग देते हैं ना ये दूसरे सेशन, एग्जैक्ट आपको टाइम पर ये 12:01 कर दिया जाता है, क्योंकि एएम और पीएम में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो वह कौन सा डर लेगा, इसीलिए 12:01 करने से क्या है कि कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं, अदर